हाय बहनों, वेलकम टू माय ब्यूटी चैनल। सो आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ दुर्गा पूजा मेकअप लुक। मैंने यहाँ पे फटाफट आपके लिए लुक क्रिएट किया है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसा लुक क्रिएट करूँ, बट मैंने सोचा कि चलो ऐसा लुक क्रिएट करते हैं जो कि यू नो ईजी भी हो करने में और आप कैरी भी कर सकें। हमेशा मेरा इंतज़ार रहता है दुर्गा पूजा का ही, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है मुझे मेकअप करना भी। एंड यस, सब कुछ रेड रेड कलरफुल होता है ना, बहुत ज़्यादा बिंदी लिपस्टिक सारी। एंड या अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए क्विकली लेट्स गेट स्टार्ट विद द ट्यूटोरियल। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एम्ब्रॉलिस का मॉइस्चराइज़र। सबसे पहले मेरी स्किन आप देख रहे हैं ना, डल हो रखी है एंड ऑल्सो टैनिंग भी हो रखी है, क्योंकि आजकल मैं धूप में बहुत ज़्यादा बैठती हूँ। मुझे विटामिन डी की थोड़ी डेफिशिएंसी हो रखी है, तो मैंने सोचा कि चलो विटामिन डी नेचुरल लेते हैं, क्यों दवाई ववाई खाना है ना। तो मैं छत में जाके धूप में बैठी रहती हूँ, इसलिए थोड़ी टैनिंग आपको आ रही होगी। और ये बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है स्किन को। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर, जो कि है रोज़ गोल्ड O2 शेड में, और इसको यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। वैसे तो ये मॉइस्चराइज़र भी ड्यूई इफेक्ट देगा ही आपके फेस पे, बट अगर आप थोड़ा और चाहते हैं ड्यूई इफेक्ट, तो आप ये हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड हाइलाइटर्स बेस्ट होते हैं अप्लाई करने में, एंड ऑल्सो आप फाउंडेशन के साथ भी मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो पहले बेयर स्किन पे ही अप्लाई कर लेते हैं, है ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट डिपेंड्स कि आपको जैसे मर्जी अप्लाई करना है आप ऐसे अप्लाई कर लो। फिर यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ आज एल्फ का फाउंडेशन, जो कि ये नया आया है एल्फ में, और ये है हेलो ग्लो लिक्विड फिल्टर फाउंडेशन। ये ग्लो बूस्टर फॉर रेडियंट स्किन है, और शेड मैं यूज़ कर रही हूँ फेयर ट्रैक्लेयर, फ्रेंच में लिखा हुआ है, ठीक है। सो इसको यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा है फाउंडेशन, एप्लीकेटर इज़ टू गुड। जैसे कंसीलर्स में होते हैं ना एप्लीकेटर, वैसे ही एप्लीकेटर है इसका। अप्लाई करने में बहुत इजी है, एंड ऑल्सो बहुत अच्छे से यहाँ पे देख लो आप, ब्लेंड हो गया है, लाइट टू मीडियम कवरेज है। बट यहाँ पे मैं एक और बार अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वैसा कवरेज चाहिए ना, थोड़ा फुल वाला, तो वो मुझे नहीं मिला। बाकी ओकेइश काइंड ऑफ फाउंडेशन है, आप डेली वेयर के लिए इस फाउंडेशन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर कंसीलर मैं यहाँ पे दो दो कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, एले गर्ल का प्रो कंसीलर और मेबेलिन फिट मी का। दोनों ही फेयर शेड हैं, दोनों को मिक्स करके अप्लाई कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने मेबेलिन वाला क्यों लिया है ये मैं आपको बताती हूँ। मेबेलिन वाला इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज उसमें पिंक अंडरटोन है, एंड जो एले गर्ल वाला है उसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब वाइट टोन है, और वो हाईलाइट इफेक्ट देने के लिए बहुत अच्छा। तो मैंने सोचा कि यार ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा, मतलब वाइट वाइट सा लगेगा, तो इसलिए थोड़ा सा पिंक अंडरटोन मिक्स करके अप्लाई कर लेती हूँ मैं। एंड एले गर्ल वन इज़ लाइक न्यूट्रल, या न्यूट्रल ही कह सकते हैं वो शेड, बट बहुत अच्छे से हाईलाइट इफेक्ट देता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यूजुअल अपने कंसील एरियाज़ पे अप्लाई किया है। अंडरनीथ आईज़ तो भाई बहुत अच्छे से ये कंसील कर देता है। फिर ये मैं मेकअप रेवोल्यूशन का वाइट बेकिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ, जो कि ट्रांसलूसेंट में है। नाउ इस पाउडर को लूज़ कह रही हूँ, इस पाउडर को यूज़ करने से पहले आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इसको आप कोई भी येलो पाउडर के साथ मिक्स ज़रूर करना, या तो फिर बेज पाउडर के साथ, ठीक है। और अब यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं आई मेकअप। सो आई मेकअप के लिए मैंने लिया है मेकअप रेवोल्यूशन का फॉर एवर फ्लॉलेस, और ये है आई बी देयर फॉर यू। फर्स्ट शेड जो लिया है वो है टैन, जो कि टैन बिल्कुल भी नहीं है, ऑरेंज शेड है ये। इसको एज अ ट्रांजिशन यहाँ पे अप्लाई किया है मैंने, ब्राउ बोन से शुरू किया है। ब्राउ बोन से शुरू करते हुए मैं अपने इनर वी के थोड़ा ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। सो आप ऑरेंज शेड भी एज अ ट्रांजिशन शेड यूज़ कर सकते हैं, अगर आप गोल्डन आई लुक क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छे से यहाँ पे ब्लेंड कर देना है, दोनों आईज आपको करके दिखा रही हूँ मैं फटाफट। सेकेंड शेड लिया है मैंने राइड अलोंग, और ये ब्राउन शेड है, चॉकलेटी ब्राउन है। इसको मैंने लिया है क्रीज शेड पे, यानी कि ये मेरा सेकेंड शेड है, ठीक है। इसको मैं अब जो मेरा फर्स्ट ट्रांजिशन है उसके ऊपर नहीं अप्लाई करूँगी, हल्का नीचे अप्लाई करूँगी, ताकि मेरा जो ऑरेंज शेड है वो भी नज़र आए, प्लस मेरा ब्राउन शेड भी नज़र आए, ठीक है। सो थर्ड शेड मैंने लिया है शेयर फूड, और ये ब्लैक शेड है। इसको यहाँ पे मैं लीफी इफेक्ट दूंगी इस शेड की हेल्प से। ब्लैक शेड यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप ब्राउन जो
जो बहुत ही डार्क ब्राउन होता है, उस शेड की हेल्प से भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से लीव शेड बनाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे लीव शेड इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि मुझे कट क्रीज नहीं करना, मैं बहुत लेज़ी हूँ कट क्रीज के मामलों में, इसलिए मैं इसी तरह का यू नो लीफी इफेक्ट वाला आई मेकअप आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जो कि लाइक क्विकली हो जाता है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, जो आउटर व्यू में ना उसको थोड़ा थोड़ा सा मैंने फिल किया है ब्लैक शेड से, एंड देन उसको मर्ज कर दिया है ऊपर शेड को, ठीक है। देन यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ शेड रेस कारपेट, जो कि ऑरेंज टोन, ये गोल्डन शेड है, प्लस इसको आप कह सकते हैं थोड़ा सा कॉपर शेड भी है। सो इसको यहाँ पे मैं लिट पे अप्लाई कर रही हूँ एज अ बेस, प्लस बहुत ही हाईली पिगमेंटेड शिमर है ये, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बट अगर आपको ग्लिटर अप्लाई करना है तो आप ग्लिटर यूज़ कर सकते हैं, और मैं ये यूज़ कर रही हूँ लेमेल का ग्लिटर बॉम, जो कि है गोल्ड शेड में, और ये बहुत ही मज़ेदार का ग्लिटर, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। एक तो ये जेली फॉर्म में है, इसको आपको ना इसको अप्लाई करने के लिए ग्लू की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप ऐसे ही डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं फिंगर की हेल्प से, बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगा। पहले तो आपको थोड़ा ठंडा ठंडा लगेगा आपकी आई लिड पर, बट फिर ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाता है, बिल्कुल कोई फॉल आउट नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये जेल वाला ग्लिटर है। अगर आप शिमर अप्लाई करें ना उसके साथ सेट हो जाएगा ये, शिमर हो या अगर आपने मैट आई शेडो अप्लाई कर रखा है उसके ऊपर भी। यहाँ पे मैं ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ, ब्रॉन्जिंग के लिए लिया है मैंने के ब्यूटी का कॉन्टोर पैलेट, जो कि है कॉन्टोर जीनियस में, इस वजह से डीप ब्राउन शेड लिया है मैंने, दो शेड्स हैं इसमें, एक मीडियम ब्राउन है एक डीप ब्राउन है, बट ये बहुत ही सटल हाइलाइटर है, बहुत ही अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है, ऑल्सो आपके फेस से ये बिल्कुल भी स्मज नहीं होगा, बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा आपके फेस पे, और बहुत अच्छे से स्कल्प्ट भी कर देता है ये। फोरहेड पे कलर ऐड करने के लिए मैं अप्लाई करती हूँ, अदरवाइज ये ब्रॉन्जिंग टेक्निक जो है फोरहेड पे ऐड करने का वो इसलिए होता है, इनका बहुत ही चौड़ा फोरहेड होता है ना उनके लिए। ओके, सो यहाँ पे मैं नोज़ पे भी अप्लाई कर दिया है, साइड साइड पे अप्लाई करके अच्छे से मैं ब्लेंड करूँगी नोज़ पे भी, क्योंकि मेरी जो बोन है ना वो थोड़ी सी मैं अपलिफ्ट करती हूँ, तो इसलिए मैं साइड साइड में अप्लाई करती हूँ, और नॉस्ट्रिल्स में भी अप्लाई कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे लिप्स पे भी अप्लाई कर रही हूँ हल्का सा। अब लिप्स पे तो थोड़ा थोड़ा मैं अप्लाई कर ही देती हूँ ताकि थोड़ा लिपस्टिक अप्लाई करने में ईजी हो, स्पेशली अगर आप कोई ब्राइट बोल्ड लिपस्टिक अप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या किया, लूज पाउडर की हेल्प से नोज़ के ब्रॉन्जर को सेट कर दिया है, ये देखो बहुत अच्छे से सेट हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट सा आ रहा है लुक। तो यहाँ पे मैं ब्लश के लिए यूज़ कर रही हूँ, ये भी मैंने न्यू लिया है, ये है एट्यूड का लवली कुकी ब्लश, और बहुत ही प्यारा पिंक शेड है ये, ग्रे फ्रूट में है, एंड इसके साथ आपको ये कॉटन में स्पंज मिलेगा पाउडर पफ, ठीक है, इसके हेल्प से आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही क्यूट पैकेजिंग है, और मुझे तो सारे ही मन कर रहा था लेने का क्योंकि इतने प्यारे प्यारे शेड्स थे, बट ठीक है, ग्रे फ्रूट वॉज लाइक वेरी प्रिटी शेड पिंक, बट बिल्कुल सटल न्यूड पिंक है ये, हाईली पिगमेंटेड है, बहुत अच्छा है, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये ब्लश, जो ट्राई करना अगर आपने ट्राई नहीं किया है, ये सेल में था तो मैंने इसलिए ले लिया, बट ठीक है इसका वैसे। ओके, सो यहाँ पे अब मैंने थोड़ा सा येलो पाउडर अप्लाई, इस यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा बेज पाउडर अप्लाई किया है अंडरनीथ माय आईज, क्योंकि वाइट वाइट ज़्यादा हो गया था, और पॉन्ड्स का यूज़ किया मैंने बीबी पाउडर जो है, और यहाँ पे हाईलाइट के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये यू कैन बी का है ग्लिस्टनिंग हाईलाइटर पैलेट, इसमें सारे ही हाईलाइटर्स मेरे फेवरेट है, बट जो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है वो है ये शैम्पेन शेड, तो मैं यही यूज़ करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए ढूंढ रहे हैं कोई अच्छा सा हाईलाइटर पैलेट तो आप ये ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा है, अमेजोन में आपको मिल जाएगा अफोर्डेबल रेंज में, बट हाईलाइटर्स आर सुपरबली पिगमेंटेड पेनो एंड ऑल्सो वर्थ इट है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल ग्लो दे रहा है मेरी नाक पे, मेरे चीक बोन पे, फोरहेड पे, टियर डक्ट पे भी मैं अप्लाई कर देती हूँ लास्ट में ताकि मेरी आंखों को हाईलाइट इफेक्ट दे दे, है ना, क्योंकि इस तरह के आई लुक के लिए तो टियर डक्ट पे अप्लाई करना ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल मिनिमल आई लुक कर रहे तो तब ज़रूरी है, तब आप वाइट कलर का जो पेंसिल होता है ना, वाइट कलर की पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं साइड साइड में, या वाइट आई शेडो हो गया।
मैट में जो होते हैं, ठीक है। सो फिर यहाँ पे लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, और लिपस्टिक के लिए मैंने रेड लिपस्टिक ली है, क्योंकि रेड लिपस्टिक के बिना तो दुर्गा पूजा मेकअप इनकम्प्लीट है। रेड हैज टू बी देयर, और बहुत ही ब्यूटीफुल रेड है, और इसी रेड शेड से ही मैं टीका भी बनाने वाली हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव बिंदी। एंड अब यहाँ पे मैं आपको हेयर ट्यूटोरियल भी शेयर, अभी मेरी बहनें मुझसे पूछती रहती हैं कि इंस्टाग्राम की वीडियो में कैसे मैं कर्ल करती हूँ, दैट मैगी वाला कर्ल, तो आज मैं आपको उसी का ट्यूटोरियल दूंगी। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बीच की मांग निकाल के बालों को इस तरह से आगे लाना है, एंड देन साइड बाल में से आपको सेक्शन निकाल के एक सेक्शन ऊपर क्लिप कर देना है, और बाकी जो नीचे का सेक्शन है उसको मैं यहाँ पे कर्ल करूँगी। सो पीछे के बाल लिए हैं सबसे पहले, और इस तरह से मैं कर्ल करती हूँ। इसका जो पेंसिल टाइप का जो टोंग है ना, इससे बहुत अच्छे से कर्ल हो जाता है। इसके लिए आपको सेटिंग स्प्रे जो होते हैं हेयर के लिए, वो सब चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये इंटैक्ट रहेगा, काफ़ी टाइम तक रहेगा आपके बालों में कर्ल्स, और मैं आपको बता सकती हूँ बिकॉज मैंने ये चीज़ देखा है मेरे बालों में कि बहुत देर तक रहता है, लाइक 24 आवर्स ही लगा लो। सो के भी उठूँगी ना तब भी कर्ल्स रहेंगे, ऐसा नहीं कि कर्ल्स चले जाते हैं या खुल जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं होता। हेवल्स का यूज़ किया है मैंने ये टोंग, और बहुत अच्छा, हेवल्स के प्रोडक्ट्स मुझे सच में बहुत अच्छे लगते हैं, दे आर रियली गुड, बहुत ही जेन्युइन प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कर्ल मैं फटाफट दिखा रही हूँ आपको करते हुए, नहीं तो अगर मैं धीरे धीरे दिखाऊंगी ना बहुत ही लंबी चौड़ी वीडियो जाएगी और आप बोर हो जाओगे ना, इसलिए मैंने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। रहा आज का फाइनल दुर्गा पूजा मेकअप, कैसा लगा बहनों आपको कमेंट करके जरूर बताना। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को फॉर मोर मेकअप वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी दुर्गा पूजा।